Hi friends, today we are going to do lesson 11, Pushing Yourself to Limits, Standard 10th, GSEB. This is a TED talk in which technology, entertainment and design topics are converged. This is an inspirational speech delivered by Senior Wing Commander Pooja Thakur to school students. The speech starts with Jai Hind, How are you everybody? Thank you, mujhe yahan bulane ke liye. ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ थोड़े साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि आई वुड बी ऑन. वेल एक्चुअली देखा जाए तो इट स्टार्टेड इन द ईयर 2000. वो टाइम में मैं अपने आप को एक प्रिटी लिटिल गर्ल कहूँगी जो स्टार्टिंग में बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो एक अनयूजुअल ग्राउंड पे थी एंड उसके लिए ये फीलिंग एकदम अलग एंड नई थी. Outlandish gates, yani unusual ground, scared at the outset, yani scared in the beginning. जब मैं Air Force Academy के arena पहुँची, ground पे पहुँची, तो मुझे नहीं पता था कि मैं कौन सी दिशा में जा रही हूँ, मेरा future क्या होगा. मैं बहुत ही well-mannered, prim and proper, यानी नियम से चलने वाली, neat and formal लड़की थी, because I was from an army background. इस एकेडमी में आने के बाद अचानक सब कुछ बदल गया. वहाँ मुझे शाउट करके स्कॉल्ड करने लगे, रूडली बात करने लगे, हमें रॉलिंग, हॉन्चिंग एंड सिटअप्स, पुशअप्स, वॉशिंग 10 क्लोथ्स इन द मिडल ऑफ द नाइट, सिर्फ 2 घंटे सोना, ये सब एडजस्टमेंट स्टडीज़ के साथ साथ करना पड़ता था. सो मेरी लाइफ में बहुत सारा बदलाव एक साथ आ गया था. सेकेंड डे ऑफ द एकेडमी शुरू हो गया एंड आई वॉज क्वाइट हेल्दी, बट मैं 10 किलोमीटर भी पूरे एकेडमी में दौड़ नहीं पाई. आधे रास्ते में तो आई डबल अप द पेस, यानी वॉक इन स्लो एंड बेंट स्पीड, ब्रेक द पेस यानी रुक रुक के दौड़ना हाफने लगी एंड ट्राई टू कैच माई ब्रीथ. पहले मैंने सोचा था कि ये सब तो बहुत आसान होगा, बट आई वॉज रॉन्ग. मैंने मेरे इंस्ट्रक्टर को कहा कि सर मुझे बेहोश होना है, यानी मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है एंड आई एम गोइंग टू प्यूक, यानी मुझे वॉमिट जैसा हो रहा है. तो मुझे क्या जवाब मिला कि अगर तुम फेंट होती हो तो मेक श्योर यू पिक योर नोज, दैट इज़ यू मेक श्योर कि यू गेट अप, बिकॉज तुम वापस प्लैंक की तरह गिरने ही वाली हो. प्लैंक इज़ अ टिम्बर बोर्ड, एक लॉन्ग फ्लैट रेक्टेंगुलर पीस ऑफ वुड को हम प्लैंक भी कहते हैं. सो बेटर है कि तुम वापस उठकर अपने रूटीन में आ जाओ एंड अगर तुम प्यूक करना भी चाहती हो तो यहाँ पे नहीं एंड जल्दी करके आ जाओ. तो ये सब सुन के मुझे समझ में आ गया कि तुम वॉमिट करो, बेहोश हो जाओ या इवन मर भी जाओ, यू हैव टू कीप ऑन गोइंग. सो फर्स्ट 3 डेज में तो आई वॉन्टेड टू डाई. माई पेरेंट्स हैड कम अप टू लीव मी. शाम के टाइम मेरे पास सिर्फ 5 मिनट्स थी मेरे पेरेंट्स को मिलने के लिए एंड मेरे टीयर्स तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे. मेरी मदर को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे उन्होंने कहाँ डाल दिया था. मेरी मदर ने मुझसे कहा कि चलो हम तुम्हें वापस लेके जाते हैं. मैं भी वहाँ रुकना बिल्कुल नहीं चाहती थी, बट फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि कैन आई गिव अप. एंड ये जो मुझे विचार आया वो मुझे और मैं और भी जैसे डरा रहा था. ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं थी, इट वॉज ऑल्सो द यूनिट, इट वॉज ऑल्सो द ग्रुप जहाँ मैं थी. मेरा पूरा यूनिट, मेरा ग्रुप, मेरे फ्रेंड्स, मेरा सब कुछ छोड़कर हार कर मुझे जाना पड़ेगा. सो मैंने सोचा मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस यूनिट में एडजस्ट होने के लिए एंड इस रूटीन में सेट होने के लिए. एंड धीरे धीरे करके मेरे में चेंज आया. एंड क्या चेंज आया, तो वो जो मेरी स्माइल्स थी, दैट इज़ पहले वाली, वो वापस आने लगी एंड स्माइल्स की वजह से आई वॉज हैप्पी एंड दो स्माइल्स वे ट्रांसफर्ड टू माई फैमिली एंड दे स्माइल्ड विथ माई सक्सेस. आई स्टार्टेड एडजस्टिंग टू माई डिफ़िकल्ट रूटीन. उन दिनों मैंने ये एक ज़रूर चीज़ ज़रूर सीखी थी कि मुझे कब ज़रूरत है टू पुश माई सेल्फ टू माई लिमिट्स. अगर मैंने वो टाइम में हार मान के मेरे पेरेंट्स के साथ वापस चली गई होती तो आई मे नॉट हैव अचीव्ड दिस हाइट्स. इट वॉज ऑल बिकॉज आई पुश्ड माई सेल्फ बियॉन्ड माई लिमिट्स.
मैं ऐसा फील करती हूँ कि हमारा माइंड जो है वो टेस्ट कर रहा होता है कि वॉट आर योर स्कोर्स एंड तुम्हारे स्कोर्स करने की लिमिट क्या है. बट आई थिंक दे आर जस्ट हाई स्कोर्स एंड ऐसे स्कोर्स जो तुम्हें लिमिट में बांध देता है. सपोज इन दिस एग्जाम्स तुमने सोचा कि आई एम गोइंग टू स्कोर 75 मार्क्स, देन यू हैव रिस्ट्रिक्टेड योर सेल्फ. 75 मार्क्स की मेहनत हो गई तो यू विल नॉट वर्क हार्ड बिकॉज यू हैव सेट योर माइंड फॉर 75 मार्क्स. सो इसी तरह से पूजा ठाकुर सेज दैट वर्क हार्ड एंड गो बियॉन्ड दैट लिमिट. तुम्हारे हाई स्कोर्स तुम्हारे ऊपर डिपेंड करते हैं. सो बाय द एंड ऑफ द एकेडमी मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था. पहले जब आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द हार्ड वर्क तब मेरे लिए 10 किलोमीटर दौड़ना भी पॉसिबल नहीं था. बट अब जब आई हैव पुश्ड माई सेल्फ टू माई लिमिट्स तो आई वॉज एबल टू एक्सेल इन द एकेडमी. प्लस मैं अपने शोल्डर्स पे बाइसिकल उठा के नंबर ऑफ किलोमीटर्स जा सकती थी. हमारे यहाँ एकेडमी में हमें लाइन में बिठाते थे एंड पूरी की पूरी ऑयल की बॉटल हमारे बालों में डाल देनी होती थी एंड एक एक बाल को हेयर पिन से कवर करना पड़ता था. सो हमें ढेर सारी पिन्स डालनी पड़ती थी हेयर में सो दैट हमारा काफ़ी टाइम जाता था सो दैट बाल निकल के बाहर ना आ जाए एंड हमारा टाइम वेस्ट ना हो. एंड अब सिचुएशन ऐसी है कि मिलीलीटर्स ऑफ ऑयल मेरे बालों में डालने के बाद मैं बहुत कम हेयर पिन्स में अपने बालों को एडजस्ट कर लेती थी बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस एंड सेटिंग माई सेल्फ टू द रूटीन. सो ये सब के साथ मुझे और एक बात समझ में आ गई कि तुम्हारा पोटेंशियल तुम्हारी क्षमता या काबिलियत तुम्हारे कंफर्ट जोन में नहीं है. जहाँ तुम सेफ फील करते हो वहाँ नहीं है, इट इज़ समवेयर आउटसाइड. नाउ विच इज़ अवर कंफर्ट जोन? फॉर एग्जाम्पल फॉर अ मैजिशियन डूइंग मैजिक इज हिज कम्फर्ट जोन विच ही कैन हैंडल ईजीली एंड फील सेफ. पर अब अगर उसे डॉक्टर का या टीचर का या इवन मैकेनिक का काम दे दिया जाए तो उसमें ही मे नॉट बी एबल टू डू गुड बिकॉज दैट इज नॉट हिज कम्फर्ट जोन. सो वे कहती है कि जहाँ मैं खड़ी हूँ दैट इज नॉट द कम्फर्ट जोन. एक्चुअली अगर देखा जाए तो तुम लोग जहाँ बैठे हो वो है बिकॉज यू आर ऑल सेफर इन योर सीट्स. अगर तुम्हें कुछ करके करना है तो तुम्हें उस रेड कारपेट को क्रॉस करके यहाँ आना पड़ेगा एंड कुछ स्पेशल दिखाना पड़ेगा. हमारा माइंड है वो काफ़ी लिमिटेड होता है. हमने उसे जितना सिखाया है, हमने जितना सोचा है उतना ही वो करेगा. पर वो केपेबल है ऑफ डूइंग थिंग्स जो हमने सोचा भी नहीं होता है. ज़रूरत सिर्फ उसे पुश ऑन करने की है. वो आग, वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हमारे अंदर ही है. तुम एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, नए नए लोगों से मिलते हो एंड धीरे धीरे करके तुम अपना रूटीन सेट करते हो. सो मुझे कुछ और करना था, यानी जो ऑर्डिनरी पीपल करते हैं उनसे कुछ हटके करना था. सो आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड सेड हेलो टू इट एंड स्टार्टेड स्काई डाइविंग. नाउ लेट मी मेक यू वन थिंग क्लियर कि सर्विसेबल एयरक्राफ्ट से जंप करना इज़ नॉट अ सेंसिबल थिंग. उसमें कोई समझदारी नहीं है. और मैंने ये कैसे सीखा? तुम्हें वहाँ कोई असिस्ट करने वाला ही नहीं होता है, कोई सिखाने वाला नहीं होता है. तुम्हें वहाँ टेंडन जंप्स भी नहीं मिलते, यानी हम ना ही मिलकर जंप कर सकते हैं एंड ना ही एक के पीछे एक जंप करना होता है. तुम जब ग्राउंड पे होते हो तो तुम्हें सब कुछ सिखाया और बताया जाता है और ऊपर तो तुम्हें सब कुछ अपने आप ही सीखना है. उन्होंने यहाँ ये टीचिंग मेथड को कंपेयर किया जैसे कि तुम्हें स्विमिंग एक ब्लैक बोर्ड पर सिखाई जाए कि किस तरह से हाथ पांव चलाना है, डूबते हो तो किस तरह से बचना है वगैरह. सो ब्लैक बोर्ड पर स्विमिंग सीखने के बाद अचानक तुम्हें पहला ही ट्राई इंडियन ओशन में स्विम करके दिखाना है. सो तुमने जो ग्राउंड पर सीखा उसे खुले आकाश में डाइव करके ट्राई करना है. सो इस तरह से हमारी ट्रेनिंग होती थी. पर यह ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड एंड स्केरी थी, ड्रूलिंग थी, पर मैंने उसे मैनेज कर लिया एंड इट वॉज क्वाइट गुड. वो पहला जंप हमें अबो एवरेज होना था एंड मैंने ट्राई भी किया. मैंने जब ये स्काई डाइविंग शुरू किया तब आई वॉज अ मदर ऑफ टू, पर फिर भी मैं स्काई डाइविंग करना चाहती थी. जो पहला जंप था उसने मुझे स्टैटिक कर दिया था, स्थिर कर दिया था.
क्यों? बिकॉज तुम जैसे ही नीचे की तरफ गिरना शुरू करते हो, यू स्टार्ट येलिंग, चिल्लाने लगते हो, एंड वो भी एक्साइटमेंट में. सो ये मेरा फर्स्ट जंप ऐसा था. सेकेंड जंप, यू वॉन्ट टू फील द एक्साइटमेंट, यू वॉन्ट टू फील द एक्सेलरेशन अगेन. एक्सेलरेशन यानी एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस. थर्ड जंप में हमें फील होता है कि वॉट द हेल एम आई डूइंग हियर. एंड तब क्या होगा अगर तुम्हारे कोई साथीदार ट्रेनी को कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगे एंड जंप करने के बजाय वो वहीं एट द एंड ऑफ द रैंप ऑफ द एयरक्राफ्ट बैठ जाए, यानी जहां से जंप करना है उसी दरवाजे के पास वो बैठ जाए, एंड डर के मारे जो भी लाइफ सपोर्ट्स अवेलेबल हो उसे पकड़कर बैठ जाए तो. बट यू कैन नॉट वेट, तुम्हें तो तुम्हारा जंप कंटिन्यू करना ही है. पहले पांच जंप्स की अगर मैं बात करूं तो मुझे पैराशूट खोलने का बिल्कुल टेंशन नहीं था, वो अपने आप ही खुल जाता था. बट अगर तुम इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू ग्रेजुएट फर्दर, तो वो पैराशूट मुझे अब अपने आप खोलना आना चाहिए, एंड वो भी 5 सेकेंड्स में थाउजेंड्स ऑफ फीट नीचे गिरते हुए. कुड आई डू इट? आई नीडेड टू सी एंड जम्प. मुझे वो 10,000 फीट डाउन जाना है एंड ग्राउंड मेरे से कितना दूर था. बाद में मैंने वापस एयरक्राफ्ट की तरफ देखा जहाँ मैं खड़ी थी, एंड ये एयरक्राफ्ट वॉज प्योरली सर्विसेबल इन द एयर. दैट इज आई वॉज फीलिंग सेफ इन द एयर, एंड मुझे जाना नीचे था एक अनसेफ जगह पर, इस सेफ एयरक्राफ्ट से दूर 10,000 फीट डाउन. पर मुझे नीचे देखना ही है, मुझे जंप करना ही है. वापस दिमाग में क्वेश्चन आया, कुड आई डू इट? मैं श्योर नहीं थी. ये ऐसी चीज थी जिसे मैं मुझे पुश ऑन करना अभी बाकी था. आई हैव टू पुश माई सेल्फ. एंड वट डू आई मीन बाई दिस? तो वो ये कहना चाहती है कि परसिस्ट अनटिल समथिंग हैपन्स, कंटिन्यू करो जब तक कुछ होता नहीं है. दैट इज कंटिन्यू जब तक तुमने जो सोचा है वो तुम हासिल ना कर लो. मैंने मेरे इंस्ट्रक्टर की तरफ टर्न होके कहा कि मुझे बताते रहना कि मुझे कितने स्टेप्स पीछे जाना है. वो मुझे बताता गया, एंड फाइनली मेरे पाँव आधे दरवाजे के बाहर थे हवा में. इस तरह से मैंने मेरी स्काई डाइविंग शुरू की. थोड़े टाइम तक प्रैक्टिस करते करते आई गॉट यूज टू दिस फीलिंग. बाद में तो मैं ऊपर से ग्राउंड की तरफ देख कर जंप करती थी, एंड पहले कैसा था तो मैं अंदर की तरफ टर्न होके एंड इंस्ट्रक्टर को पूछती थी कि कितना बैक जाना है, वो मुझे बताते रहना. सो दैट वॉज अ डिफरेंस. सो इस तरह से स्काई डाइविंग शुरू हुआ, एंड मैं ग्रेजुएट भी हुई. स्काई डाइविंग के स्टार्टिंग पीरियड को याद करते हुए कहती है कि पहले 5 जंप्स तो थोड़े से ईजी थे बिकॉज हमें एटलीस्ट पैराशूट ओपन करने का टेंशन नहीं होता था. बट अगर तुम्हें इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो अब नेक्स्ट राउंड में तुम्हें पैराशूट अपने आप खोलने थे. तो काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने यहाँ से टर्न बैक कर लिया, छोड़कर चले गए बिकॉज दे डिड नॉट हैव द करेज. उन्होंने शायद अपनी लिमिट्स को पुश ऑन नहीं किया था. अगर मैंने अपनी लिमिट्स को बांध दिया होता, अगर मैं डर कर या इट्स इनफ करके पीछे हट गई होती, तो आई वुड नॉट हैव रीच द हाइट्स ऑफ माई कैरियर, एंड मैं शायद फर्स्ट वुमेन्स स्काई डाइविंग टीम ऑफ इंडिया का एक पार्ट नहीं बन पाई होती. ये फीलिंग तो मेरे अंदर थी ही कि मैंने ये 5 जंप्स के बाद वाले फेज को पार कर लिया. बट एट द सेम टाइम वो मेरे लाइफ का द मोस्ट मेमोरेबल डे भी रहा, जब मैंने बड़े बड़े लेयर्स ऑफ क्लाउड्स के बीच से 14,000 फीट से जंप किया. अमिस्ट यानी अमोंग. जैसे ही मैं कूदी, क्लाउड्स जैसे मेरे एकदम नज़दीक से पास होके जुप जुप करके आवाज़ कर रहे थे. नेचुरली इट वॉज बिकॉज ऑफ द स्पीड. हम जब इतनी ऊपर से कूदते हैं तो वहाँ स्काई एकदम क्लियर होता है, एंड जैसे जैसे तुम नीचे की तरफ आते हो तुम्हें तुम्हारा पहला रिलेटिव मिलता है, विच इज़ क्लाउड. सो ये तुम्हारा पहला रिलेटिव तुम्हें एहसास दिलाता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्राउंड की तरफ जा रहे हो बिकॉज ऑफ दैट जुप जुप साउंड. बट उन क्लाउड्स की वजह से तुम ग्राउंड तो देख नहीं पा रहे हो. जब हम ऊपर से कूदते हैं तो हमें सिर्फ 2 चीज़ें दी जाती है, एक तो ऑल्टीमीटर
जो डिवाइस है हाइट मेजर करने का, एंड दूसरी एक बैकपैक दैट इज पैराशूट हमें हैंग ऑन करने के लिए. सो ऑल द टाइम मैं ये सोचती रही कि मैं बहुत स्पीड में ग्राउंड की तरफ जा रही हूँ एंड आई कैप चेकिंग माय अल्टीमीटर. हमें इतनी स्पीड में एंड इतने ऊपर से कुछ दिखता तो नहीं था, तो कंटिन्यूसली मुझे ऐसी फीलिंग होती थी कि मैं अभी ग्राउंड को हिट करूँगी एंड मैं ग्राउंड के बहुत करीब पहुँच गई हूँ. हर 5 सेकेंड्स में मैं मेरा अल्टीमीटर चेक करती थी ये देखने के लिए कि मैं ग्राउंड से कितनी दूर हूँ. पर जिस स्पीड से मैं नीचे की तरफ जा रही थी तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, मेरा जो डिवाइस है वो खराब हो गया है. तुम जब एयरक्राफ्ट में से कूदते हो तभी यू कांट ओपन अप योर पैराशूट. एक हाइट तक पहुंचने के बाद में ही तुम्हें पैराशूट खोलना होता है. सो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है. कभी कभी पैराशूट प्रॉब्लम्स की वजह से हमें फ्रैक्चर्स या शोल्डर डिसलोकेशन या मस्कुलर पेन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. बट यू नो स्काई डाइविंग कैसा होता है, एंड मैंने वो जो अपने आप को पुश किया अपने लिमिट्स से बाहर जाके, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट एफर्ट. हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है एंड ऐसी बहुत सारी डिस्कवरीज होती है विच इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज वी पुश अवरसेल्व्स बियॉन्ड अवर लिमिट्स. कैपेसिटी एंड हमारी एबिलिटी जो तुम में है एंड मुझ में है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट कि हम कुछ हटके करते हैं एंड हमने जो कभी सोचा भी नहीं होता है ऐसी चीज़ें हम हासिल कर लेते हैं. ये जो पॉसिबिलिटीज़ है इट विल डिफाइन अस, यानी वो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी, पहचान बन जाएगी कि शी कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग. हमारी खासियत क्या बन जाएगी कि उसमें इम्पॉसिबल को ओवरकम करने की एबिलिटी है. इम्पॉसिबल तो लोगों का नज़रिया है, वो कोई डिक्लेरेशन नहीं है कि ये काम इम्पॉसिबल है एंड इसे कोई भी कर नहीं सकता. इट्स जस्ट एन ओपिनियन ऑफ समवन हु इज़ नॉट केपेबल. जब तुम कोई भी इम्पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबल सिचुएशन को फेस करते हो तो तुम एक टाइम के लिए डर जाते हो कि तुम ये नहीं कर पाओगे, पर ये सब टेम्पररी है. ये फीलिंग भी चली जाएगी एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट. इट्स अ डिफिकल्ट फीलिंग फॉर यू मी. इट विल बी डिफिकल्ट फॉर टूडे एंड टुमोरो ऑल्सो. इसके बाद तो जैसा रूटीन बन जाता है, एंड जब हम रूटीन में आ जाते हैं तो एवरीथिंग बिकम्स ईजी, क्योंकि रोज सुबह हम वही करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है एंड हमारा डर भी चला जाता है, इम्पॉसिबिलिटी की फीलिंग भी चली जाती है एंड नाउ हमने हमारे लिए एक नई लिमिट बिल्डअप कर ली होती है. इसी तरह से एवरी टाइम हम हमारे लिमिट को एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, इट बिकम्स अ रूटीन एंड देन अगेन वन स्टेप अहेड. कभी कभी क्या होता है कि लाइफ हमें पुश करती है कुछ अलग एंड हटके करने के लिए, बट सोचने वाली बात तो ये है कि जो चीज़ हमारे अंदर है उसे हमें लाइफ के थ्रू पुश ऑन क्यों करवाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में तुम्हें 4 लेसन्स लर्न करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, आज करूँगा कल करूँगा करके, बट इफ़ यू आर हैविंग टेस्ट देन यू कैन कम्प्लीट दोज 4 लेसन्स इन 2 डेज ऑल्सो. तो मेहनत एंड हार्ड वर्क तो तुम्हारे अंदर पहले से ही था, बट तुमको टेस्ट ने पुश ऑन किया. सो डिटर्मिनेशन तो तुम्हारे अंदर ही है, डिसाइड कर लो कि तुम अपने आप को कितना पुश करना चाहते हो. एक्चुअली अगर देखा जाए तो तुम्हारा डिटर्मिनेशन ही तुम्हें तुम्हारे हाइट्स तक खींच के लेके जाएगा. एक बार अगर तुमने अपने आप को शुरू से ही पुश ऑन करना स्टार्ट कर दिया तो वो सिर्फ एक्टिविटी ही नहीं रह जाती, इट बिकम्स एन एपिसोड, बाद में स्पेशल एपिसोड. शायद ऐसा भी हो जाए कि तुम कुछ नया इन्वेंट करो, यानी अपने लाइफ के रूटीन वर्क से कुछ हटके करो. जैसे मेरी बात करूं तो मेरी लाइफ का स्पेशल एपिसोड था कि मैंने डरे बगैर अपने आप को उस एयरक्राफ्ट में से उस 5 जंप्स के बाद जंप करने के लिए पुश ऑन किया. धीरे धीरे करके वो तुम्हारा नॉर्मल रूटीन बन जाता है, बाद में नॉर्मल वर्क. इसी तरह से वो तुम्हारा टैलेंट बाहर लेके आता है, तुम्हारा पैशन एंड एवरीथिंग. तो इसी तरह से नॉर्मल वे से थोड़ा हटके करते करते मेरे कैरियर में एक नया मोड़ आया कि ये जो यंग जनरेशन है उनको एयरक्राफ्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए
वाई नॉट जम्प इन टू मोबाइल गेम्स, क्योंकि यही उनके दिमाग को ऑक्यूपाई करके रखता है। पर अगर हमने मोबाइल गेम्स में सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू इस फील्ड को इंट्रोड्यूस किया तो फिर क्या होगा, हम तो ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट स्किप ही करते हैं। सो हमें उनके माइंड्स को इम्प्रेस करना था, एक क्यूरियोसिटी पैदा करनी थी कि एयरक्राफ्ट जैसी कुछ चीज़ है एंड वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग। सो इस तरह से शुरू हुआ इंडिया का फर्स्ट 3D एयर कॉम्बैट गेम। तुम्हें ऐसे रास्ते पे चलना है जो तुम्हारे रूटीन से अलग हो, थोड़ा सा हटके हो। तुम्हें शायद ऐसे रास्ते पे चलना पड़े जो शायद काफ़ी रिस्की पाथ हो। कठिन एंड मुश्किल वाले रास्ते पे चल के ही तो वी अचीव सक्सेस। जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ कुछ ऐसा बनाओ कि दुनिया तुम्हें जान सके, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ यू लीव योर रूटीन पाथ एंड टेक द चैलेंजेस एंड द रिस्की पाथ एंड डू द इम्पॉसिबल। इस पैराग्राफ में वे अपने गार्ड ऑफ ऑनर के बारे में कहती है कि आज अगर मैंने स्टार्टिंग में उस 5 जंप्स के बाद डर कर छोड़ दिया होता तो ये गार्ड ऑफ ऑनर का मौका मुझे नहीं मिलता। कभी कभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से डर भी लगता है, क्योंकि अगर तुम बेस्ट करना चाहते हो तो देर इज़ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वे ऐसा कहती हैं क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबल हो तुम्हारे बाद में होने वाले पूरे प्रोग्राम के एजेंडा के। तुम्हें जो इतना बड़ा ऑनर मिला है, उस सर्विस का रेपुटेशन, उस एयरफोर्स की सर्विस का, एंड फाइनली सबसे ज़्यादा मैटर करता है दैट इज़ द रेपुटेशन ऑफ द नेशन, एंड वो भी जब तुम एक फॉरेन डिग्निटरी को देने वाले हो। सो यू आर रिप्रेजेंटेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर नेशन। कभी कभी हमें डरा देता है, एक डर लगता है, बट ऐसा डर भी ट्राई करने जैसा होता है जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाए, राइट? अब वे बात करती है जब उन्हें मूव ऑन करना पड़ता था। वे कहती है कि मैं जब छोटी थी तब मेरे पेरेंट्स शिफ्ट होते रहते थे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज माई फादर वॉज इन आर्मी। मैं 2 साल से ज़्यादा कभी भी एक जगह नहीं रही। सो ये सब एडजस्टमेंट्स की शुरुआत मेरे लाइफ के स्टार्टिंग से ही थी। एंड अगर तुम्हें इसकी आदत नहीं हुई है देन इट्स नेवर टू लेट। मेरे फादर आर्मी में थे, सो हमें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता था। एक पोस्टिंग से दूसरी पोस्टिंग हम जाते थे, एंड डर हर बार, नए लोग, नया माहौल, हर साल तुम्हारी स्कूल चेंज करनी होती थी। ऐसे टाइम में तुम तुम्हारे पुराने फ्रेंड्स को छोड़कर आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि तुम्हें नए फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं। यानी एक प्रोटेक्टेड एटमोसफियर को छोड़कर एक न्यू एंड अननोन एटमोसफियर के बीच अपने आप को एक्सेप्ट करवाना। तुम एक ऐसे माहौल में एंटर होते हो, एक ऐसी न्यू स्कूल में एंटर होते हो जहां सब बच्चे ऑलरेडी एक दूसरे के फ्रेंड्स होते हैं, एंड उनके ग्रुप में एंटर होना यानी इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। दे स्टार्ट हेटिंग यू राइट अवे। मेरी मॉम के अलावा किसी को स्कूल में पता नहीं था कि मैं एक क्राई बेबी हुआ करती थी जो हर छोटी मोटी चीज़ों से परेशान हो जाती थी। अर्ली इन द मॉर्निंग आई यूज़ टू वेल एंड क्राई, यानी स्कूल जाते समय मेरा रोना धोना शुरू हो जाता था। मैं बहुत ही बैड टेम्पर्ड हो जाती थी, जिसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मैं किसी को पहचानती नहीं थी एंड शायद मैं किसी को भी पसंद ही नहीं करती थी। मुझे मेरे बाजू में बैठे बच्चे पसंद नहीं थे, टीचर्स जिस तरह से पढ़ाती थी वो पसंद नहीं था, मुझे मेरी बुक्स पसंद नहीं थी एंड मुझे मेरी स्कूल ही पसंद नहीं थी। यानी मेरे पास ढेर सारे इन्यूमरेबल रीजंस थे स्कूल नहीं जाने के। पर मेरे पेरेंट्स को भी पता था कि हर दूसरे साल नया माहौल, नया स्कूल, तो परेशानी तो होगी ही। बट मेरे पेरेंट्स हमेशा यही कहते थे कि यू कैन डू इट, दैट इज़ यू कैन एडजस्ट टू दिस न्यू एनवायरमेंट। एंड हर बार मैं ये प्रिटेंड करती थी, दिखावा करती थी कि आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड मैं डरती नहीं हूँ, मैं यहीं पे बिलोंग करती हूँ। अब बात ये थी कि मुझे अच्छा नहीं लगता था हर दूसरे साल एक नए माहौल को एडजस्ट करना, बट हर बार मैं ये प्रिटेंड करती थी कॉन्फिडेंट होने का। तो फाइनली यू डू बिकम दैट कॉन्फिडेंट पर्सन। हमें कॉन्फिडेंस का दिखावा करने की आदत हो जाती है।
एंड ये जो प्रिटेंड कर कर के कॉन्फिडेंट बनने की आदत है वो किसी किसी को काफ़ी दिन लग जाते सकते हैं, महीने लग सकते हैं, या इवन मंथ्स या इयर्स भी लग सकते हैं। ये सब चीज़ें तुम लाइफ के हर मोड पर सीखते ही जाओगे। आगे में एग्जाम्पल देते हुए कहती है कि सपोज़ तुम किसी कॉन्फ्रेंस में स्पीच दे रहे हो एंड वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि यू आर स्पीकिंग वेरी लाउडली एंड रूडली, तो तुम्हें अपने आप में थोड़ा सा चेंज लाके लेस लाउड एंड पोलाइटली बोलना चाहिए। तुम्हें ऐसे सब लोगों की, ऐसे सब कमेंट्स की एंड ऐसी सब थिंकिंग की आदत हो जाएगी एंड यू विल ऑटोमेटिकली ट्राई टू चेंज योरसेल्फ। सो पहली दूसरी मीटिंग्स में तुम इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, बट धीरे धीरे बाई योर थर्ड मीटिंग यू बिकम प्रिम एंड प्रॉपर। तुम एक डिग्निफाइड वे में बात कर सकते हो। ये सब तुम जैसे जैसे टाइम पास होते जाता है वैसे वैसे तुम सीखते जाते हो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम मेंशन भी कर सकते हैं, फिर वो एडवर्ड मर्फी या थॉमस एडिसन की डिस्कवरी ही क्यों ना हो। ये इतनी बड़ी पर्सनालिटीज भी हजारों बार फेल होने के बाद, खुद के बॉइलिंग लिमिट से ऊपर जाने के बाद एंड खुद को पुश ऑन करने के बाद ही दे हैव अचीव्ड ग्रेट सक्सेस। अगर हम बैठे रहेंगे एंड सोचेंगे कि अरे बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि लाइफ तुम्हें पुश ऑन करके तुम्हारी लिमिट्स को टेस्ट करे? तुम्हें पहले ही सोच के यू हैव टू ट्राई, चाहे फेल हो जाओ बट ट्राई कर करके यू विल गेट सक्सेस। सो ऐसे सिचुएशन को आने ही मत दो जहां तुम्हें वो काम जबरदस्ती करना पड़े। वो ज़्यादा ग्रेटिफाइंग होगा, प्लीजिंग होगा, अगर तुम्हारे लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। तुम अगर कोशिश करोगे तो तुम फोरफ्रंट में रहोगे, लीडिंग पोजिशन में रहोगे मेरे जैसा। अदरवाइज लाइफ तो हमें अप्स एंड डाउन्स दे दे कर ही सिखाती है, यानी गुड या बैड सिचुएशन एक्सपीरियंस करा कर ही हमें सिखाती है। तुम्हें सक्सेस तो ठोकर खा कर भी मिलने ही वाला है, बट अगर हमारे लाइफ का उस सिचुएशन का कंट्रोल हमारे हाथ में हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता एंड दैट फीलिंग इज ऑलवेज ग्रेटिफाइंग, सेटिस्फाइंग एंड मोर सक्सेसफुल। सो यहाँ पे मैंने एक स्मॉल टॉक डिलीवर किया है एंड मैं एंड अप करूँगी हेनरी डेविड थॉरो ने जो कहा है वो कह के। ही सेज व्हाट लाइज बिफोर अस एंड व्हाट लाइज बिहाइंड अस इज अ स्मॉल मैटर कंपेयर टू व्हाट लाइज विद इन अस। तुम्हारे फ्यूचर में क्या लिखा है यू डोंट नो, तुम्हारा पास्ट यू कैन नॉट चेंज, बट प्रेजेंट तुम्हारे हाथ में है, यू कैन चेंज दैट। एंड व्हेन वी ब्रिंग व्हाट इज विद इन अस आउट into the world, miracles happen. यानि जब तुम्हारे अंदर की काबिलियत तुम बाहर लाते हो तो चमत्कार होते हैं एंड इतिहास बन जाते हैं। थैंक यू।